नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मिंग एंड चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैशी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर सीरीज़ के। इस सीरीज़ में आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है और किसानों का बहुत समय से, काफ़ी टाइम से और बहुत ज़्यादा फेवरेट ट्रैक्टर रहा है शुरुआत से ही, जो कि है मैशी फर्ग्यूसन 241 DI के बारे में। सो दोस्तों पुराना मॉडल है और ये जो इसका प्लेटफॉर्म है वो आपको ओल्ड स्टाइल में देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे 1-to-1। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप आगे भी देखते रहो। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 42 HP का 3-सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 42 HP जो प्रोड्यूस करता है वो करता है 1900 रेटेड RPM पे। अगर आपको इसकी ट्रैक्टर की पूरी पावर चाहिए तो आपको 1900 RPM पे ट्रैक्टर को चलाना पड़ेगा। दोस्तों इस ट्रैक्टर का इंजन का जो CC है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, वो आपको मिल जाता है 2500 CC का आपको इंजन देखने को मिल जाता है। वही आपको यहाँ पे बॉस कंपनी का इनलाइन पंप दे रखा है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। और इधर साइड में आपको इंजन ऑयल फिल्टर है और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वही आपको लंबा सा पतला सा आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है जो वही पुराने समय से चलता आ रहा है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ ट्रैक्टर के डिज़ाइन के बारे में, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। आगे के जो टायर्स हैं, आगे के टायर्स अगर आप देखोगे तो आपको 6-16 के मिल जाते हैं और पीछे के जो टायर्स हैं वो आपको 13-28 के ऑप्शन में मिल जाते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे कंपनी से ही 35-35 किलो के दोनों रिमों पे आपको वेट लगे हुए हैं जो कंपनी फिटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पे डबल डीजल फिल्टर दे रखे हैं, या पेपर वेस्ट क्लॉथ वेस्ट। साइड में यहाँ पे वाटर सेपरेटर दे रखा है। इसका जो फ्यूल टैंक है दोस्तों वो 47 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है और मेटेलिक फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। मेटेलिक होने की वजह से इसमें कभी कभी नमी बन जाती है, तो यहाँ पे पानी को अलग करने के लिए वाटर सेपरेटर भी दे रखा है। अब दोस्तों मैं अगर बात करूँ ट्रैक्टर पे बैठ करके क्या आपको ऐसा फील होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इस तरीके का प्लेटफॉर्म है और आराम से इस पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। पूरा ओल्ड स्टाइल में पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दोस्तों इस ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पे बैठ करके कुछ इस तरीके का लुक हमें दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के बारे में, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपके लिए बैटरी के लिए, और इधर मतलब इंजन ऑयल प्रेशर, RPM मीटर और कितने घंटे चला हुआ उसका, ठीक है। और ये फ्यूल मीटर आपको दे रखा है। तो ये पूरा आपको सेमी डिजिटल डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अगर बात करें इसके स्टेयरिंग के बारे में, तो मैकेनिकल स्टेयरिंग है और मैशी फर्ग्यूसन के लोगों के साथ में। दोस्तों यहाँ पे हेडलाइट्स के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, जो ये लीवर दे रखा है ये पूरा कार की तरह दे रखा है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। ये आपका रेस का थ्रॉटल हो गया, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे पार्किंग लाइट हो गई, स्टॉपर हो गया। बात करूँ इसके गियरबॉक्स के बारे में, तो इसमें आपको पार्शियल कॉन्स्टेंट मैस का 8+2 का गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ उसके राइट साइड में, तो आपको भाई पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर दे रखे हैं, और इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमें PTO का गियर दे रखा है। तो इस तरीके से पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करें इस ट्रैक्टर के आगे के हिस्से के बारे में बात करते हैं और देखते हैं फ्रंट में हमें कैसा कुछ लुक दिखाई देता है। आगे से कुछ इस तरीके का लुक हमें दिखाई देता है। वही आपको अंदर लगी हुई आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हेलोजन हेडलाइट्स का पूरा सेटअप है। यहाँ पे मैशी फर्ग्यूसन का लोगो दे रखा है और काफ़ी हैवी बम्पर आपको लगा हुआ है जो फ्रंट में आप देख सकते हैं। और इसका जो फ्रंट एक्सल है दोस्तों, वो धनुष के आकार में दे रखा है, बो टाइप का, जो कि पूरा बैलेंस्ड आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ आपको फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड में अगर चलते हैं तो देखेंगे आपको क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे वही आपको 241 DI मैशी फर्ग्यूसन की ब्रांडिंग दे रखी है और हाई लिफ्ट, यानी कि जो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों, वो आपको मिल जाती है 1700 kg की, यानी कि 17 क्विंटल तक ये वजन उठा सकता है अपनी लिफ्ट से, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेटर दे रखा है, ये सेल्फ का सेटअप हो गया और स्टीयरिंग पूरा मैकेनिकल यहाँ पे दे रखा है आपका। अब दोस्तों बात करूँ उसके एयर क्लीनर के बारे में, तो इसमें आपको सूखा एयर फिल्टर है, हालांकि ये लगा हुआ है, लेकिन इसमें ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। वही आपको अगर बात करूँ उसके ब्रेक्स के बारे में, तो उसमें आपको ऑयल इमर्ज डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और क्लच इसमें डुअल क्लच है, मतलब एक ही क्लच से दोनों काम होते हैं, उसी क्लच से आपके गियर ऑपरेट होते हैं और उसी क्लच से आपके PTO ऑपरेट होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के बारे में, तो उसमें आपको 8+2 का पार्शियल कॉन्स्टेंट मैस गियरबॉक्स मिल जाता है देखने के लिए, मतलब 8 स्पीड आपको फॉरवर्ड में और 2 स्पीड आपको बैकवर्ड में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा जूम करोगे, तो यहाँ पे मैशी फर्ग्यूसन पूरा इसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है। पीछे के हिस्से के बारे में अगर बात करें, तो आप चलते हैं देखते हैं और क्या कुछ मिलता है हमें इसके बैक साइड के बारे में। तो पीछे से लुक देखोगे, कुछ इस तरीके का लुक हमें दिखाई देता है। वही आपको ट्रेडिशनल मडगार्ड दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। वही छोटे और स्पोर्टी आपको डिपर दे रखे हैं, वर्किंग लाइट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी तगड़ा, मतलब कि यहाँ पे टूल बॉक्स दे रखा है, आप इसमें टूल बूल रख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के PTO HP के बारे में, तो उसमें आपको 35.7 HP का PTO आपको देखने को मिल जाता है इसमें, और काफ़ी हैवी इसमें पट्टे लगे हुए हैं, जो कि लिफ्टिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर देता है।
और यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्टर है पानी की बोतल रखने के लिए है। ये आपको सिंगल ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखा है, अगर आप कोई भी पीछे हाइड्रोलिक ट्रॉली चलाते हैं या कोई भी इंप्लीमेंट चलाते हैं तो इसकी मदद से आप चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 पिन सॉकेट दे रखा है, अगर आप अपनी ट्रॉली में कोई भी लाइटें लगवाते हैं तो यहाँ से आप अपने कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के पीछे के एक्सल के बारे में, इसमें भी आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक के साथ पूरा आपको डायरेक्ट एक्सल देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ये था मैशी फर्ग्यूसन का पूरा वीडियो, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपको कोई भी सवाल है मैशी फर्ग्यूसन के किसी भी मॉडल के बारे में कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस ट्रैक्टर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे खाटू श्याम ट्रैक्टर बिसौली पे आकर के खरीद सकते हैं। इस ट्रैक्टर की जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ, एक्शोरूम प्राइस मैं आपको बताता हूँ, लगभग 6 लाख रुपये आपको मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली। बाकी की और जानकारी अगर चाहिए तो मैं यहाँ के जो ओनर है उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे बात करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।